हेलो मित्रों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें मोटापे के बारे में बताया था आपको, विटामिनों के बारे में बताया था, विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण, मोटापे के बारे में बताया था। अत्यधिक वसा का जमाव मोटापा कहलाता है। लास्ट में रक्तचाप की बात कर रहे थे। बहते हुए रक्त के द्वारा वाहिनियों पर जो दाब डाला जाता है उसको रक्त दाब कहा जाता है। किसी भी यदि हम स्वस्थ व्यक्ति के रक्त दाब की बात करें तो स्वस्थ व्यक्ति के रक्त दाब का जो मान होता है वो 120। स्वस्थ व्यक्ति के रक्त दाब का जो मान होता है वो 120 / 80 mm पारा यानी कि Hg, ये स्वस्थ व्यक्ति के रक्त दाब का मान होता है। किसी भी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। जिस विशेष यंत्र के द्वारा अपन रक्तचाप का मापन करते हैं उसको कहते हैं रक्तचाप मापी। रक्तचाप मापी या इसका नाम हो सकता है स्फाइग्मो मैनोमीटर। स्फाइग्मो मैनोमीटर नामक यंत्र के द्वारा रक्तचाप का मापन कर लिया जाता है। उच्च रक्तचाप से बचने के लिए संयमित जीवन, उच्च रक्तचाप से बचने के लिए उच्च रक्तचाप से बचने के लिए संयमित जीवन, संयमित जीवन, तनाव से दूरी, इसके अलावा ताज़ी सब्जी फलों के प्रयोग, ताज़ा सब्जी फलों के प्रयोग, व्यायाम आदि के द्वारा हम उच्च रक्तचाप से बच सकते हैं। इन सारी चीज़ों से दूर रह करके हम और उच्च रक्तचाप का शिकार होने से बच सकते हैं। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। अब नशीले पदार्थ, नशीले पदार्थ इंग्लिश में कह सकते हो आप टॉक्सिस सब्सटेंस। टॉक्सिस सब्सटेंस नशीले पदार्थ। देखिए, आनंद का भ्रम उत्पन्न करने की दृष्टि से लोग कुछ लतकारी पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं, जैसे गुटखा है, सुपारी है, सिगरेट है, शराब है, तंबाकू है आदि, ऐसी अनेक लतकारी चीज़ों का सेवन करने लग जाते हैं। और इन लतकारी चीज़ों का सेवन करने से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, घातक प्रभाव पड़ते हैं। तो ऐसे ही कुछ पदार्थों का अध्ययन हम इस टॉपिक में करेंगे। इसमें पहला आता है आपका गुटखा। गुटखा देखिए, गुटखा का जो प्रयोग है किस तरीके से मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, पहले आपको मैं गुटखा का संगठन बताऊं। गुटखा किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है तो आइए देखते हैं गुटखा किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। कत्था,
सुपारी, चूना, धातुओं के वर्क, व तंबाकू आदि। गुटखा बनाने में इन चीज़ों का प्रयोग सामान्य तौर पर किया जाता है। कत्था, सुपारी, चूना, धातुओं के वर्क, तंबाकू आदि से गुटखा मिलाकर के तैयार किया जाता है। देखिए, गुटखा का यदि लगातार सेवन किया जाता है तो गुटखा का लगातार सेवन करने से एक विशेष रोग हो जाता है। उस रोग का नाम है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग गुटखा का सेवन करने से होता है। गुटखा का सेवन करने से कौन सा रोग होता है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस। कौन सा रोग होता है भाई? सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग गुटखा का निरंतर सेवन करने से होता है। दरअसल इस रोग के अंतर्गत जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं जिससे जबड़ा ठीक से नहीं खुल पाता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग में जबड़े की जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं? कठोर हो जाती हैं, और जबड़ा जो होता है, हमारा मुंह जो होता है, वो ठीक ढंग से नहीं खोल पाता है। आपसे पूछा जा सकता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग का लक्षण बताइए। तो जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाना और जबड़े का ठीक से नहीं खोल पाना, ये सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग का लक्षण है। किसका सेवन करने से होता है ये? गुटखे का यदि निरंतर सेवन किया जाए, लगातार सेवन किया जाए, तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस। गुटखा किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? कत्था, सुपारी, चूना, धातुओं के वर्क, तंबाकू आदि से मिलकर के गुटखा बना होता है। दूसरा पदार्थ आता है इसी में आपका तंबाकू। तंबाकू देखिए, तंबाकू कैसे प्रभावित करती है मानव स्वास्थ्य को, इसका सेवन किस प्रकार से किया जाता है? तंबाकू निकोटिएना टोबेकम निकोटियाना टोबेकम तंबाकू को जो प्राप्त करते हैं, तंबाकू के पादप का नाम है निकोटियाना टोबेकम। तो तंबाकू निकोटियाना टोबेकम कुल सोलेनेसी की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है,
पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। निकोटियाना टॉबेकम की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। इन पत्तियों में एक विशेष एल्कलॉइड पाया जाता है, यानी कि तंबाकू में जो एल्कलॉइड पाया जाता है उस घातक एल्कलॉइड का नाम है निकोटिन। क्या नाम है? निकोटिन नामक एल्केलॉइड तंबाकू की पत्तियों में मिलता है। निकोटिन नामक एल्कलॉइड तंबाकू की पत्तियों में मिलता है। इनमें करीब 1 से 8% निकोटिन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है। जो तंबाकू की पत्तियां होती हैं उन पत्तियों में करीब 1 से 8% तक एल्कलॉइड पाया जाता है। प्रमुख रूप से हमारे यहाँ इसको सिगरेट, बीड़ी, चिलम, सिगार हुक्का, मंजन, तंबाकू को चबाना आदि अनेकों प्रकार से उपयोग में लाया जाता है। हमारे यहाँ पर तंबाकू का जो सेवन किया जाता है वो सिगरेट के रूप में या फिर बीड़ी के रूप में, चलम, सिगार, हुक्का आदि चीज़ों के रूप में अपन तंबाकू का क्या करते हैं? सेवन करते हैं। देखिए क्या कुप्रभाव डालता है शरीर पर तंबाकू। तंबाकू के सेवन से होने वाले कुप्रभाव, तंबाकू के सेवन से होने वाले कुप्रभाव या हानिकारक प्रभाव कह सकते हो। बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है 3 नंबर के लिए। तंबाकू के सेवन से होने वाली कोई 4 हानियां बताइए। तो देखिए कौन कौन सी हानियां हैं। नंबर एक बात, तंबाकू कई प्रकार से शरीर को प्रभावित करती है और हानिकारक इफेक्ट छोड़ती है। उनमें पहला है कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। नंबर दो, गर्भवती महिलाओं के भ्रूण के विकास की दर धीमी पड़ जाती है। और क्या होता है इसके अलावा? तंबाकू का सेवन करने से मुंह या गले की बात कर सकते हो आप, इनका कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। और यदि गर्भवती महिलाओं द्वारा इसका सेवन किया जाता है तो उनकी भ्रूण के विकास की दर क्या पड़ जाती है? धीमी पड़ जाती है। इसके अलावा और भी इफ़ेक्ट्स होते हैं। सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड सिगरेट जो सेवन करते हैं तो जो धुआं निकलता है
उस धुएं में कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये ऑक्सीजन परिवहन की दक्षता में क्या ले आती है? कमी ले आती है। सबसे घातक इफेक्ट है ये, सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो रक्त परिवहन की जो दक्षता होती है उसमें क्या ले आती है? कमी ले आती है। एक और यहाँ से आप बिंदु याद रखेंगे, तंबाकू में उपस्थित निकोटिन, जो मैं एल्कलॉइड की बात कर रहा था आपसे कि तंबाकू में निकोटिन नामक एक हानिकारक एल्कलॉइड पाया जाता है, तो तंबाकू में उपस्थित जो निकोटिन नाम का जो एल्कलॉइड पाया जाता है, ये उपस्थित निकोटिन रक्त वाहिनियों की दीवारों को क्या कर देता है? मोटा कर देता है, जिससे उच्च रक्तचाप की संभावना बन जाती है। तो ये इफेक्ट निकल के आते हैं तंबाकू का सेवन करने से, मुंह या गले के कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। नंबर सेकंड इफेक्ट, गर्भवती महिलाओं के भ्रूण के विकास की दर क्या पड़ जाती है? मंद पड़ जाती है, मेरा मतलब है धीमी पड़ जाती है। और सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात CO जो होता है वो रक्त परिवहन या ऑक्सीजन की परिवहन की दक्षता होती है उसमें क्या ले आता है? कमी ले आता है। और एक खास बात और, तंबाकू में उपस्थित निकोटिन नामक हानिकारक एल्कलॉइड जो पाया जाता है वो एल्कलॉइड रक्त वाहिनियों की दीवारों को क्या कर देता है? मोटा कर देता है। आई बात समझ में? ओके, एक बार और देखिएगा, तंबाकू निकोटिना टॉबिकम कुल सोलेनेसी की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। इसकी पत्तियों में जो एल्कलॉइड पाया जाता है उसकी जो मात्रा होती है वो करीब 1 से 8% होती है। इसमें निकोटिन नामक हानिकारक एल्कलॉइड पाया जाता है। खास करके सिगरेट, बीड़ी, चिलम, सिगार, हुक्का, मंजन, तंबाकू चबाना आदि कई प्रकार से तंबाकू का सेवन किया जाता है। लेकिन खास बात यह है, तंबाकू के सेवन से होने वाली हानियाँ या तंबाकू का लगातार सेवन किया जाए तो उसे कौन कौन से हानिकारक प्रभाव हमारे शरीर पर देखने को मिलते हैं, तो उनमें से मैंने कुछ लिखे हैं आपको। मुंह और गले के कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। यदि गर्भवती महिलाओं के द्वारा इसका सेवन किया जाता है तो उनके भ्रूण के विकास की जो दर होती है वो क्या हो जाती है? मंद हो जाती है, मेरा मतलब है धीमी हो जाती है। सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो रक्त परिवहन की या ऑक्सीजन परिवहन की दक्षता में क्या ले आती है? कमी ले आती है। और तंबाकू में उपस्थित निकोटिन नामक हानिकारक एल्कलॉइड जो होता है वो रक्त वाहिनियों की दीवारों को क्या कर देता है? मोटा कर देता है और उच्च रक्तचाप का कारण बन जाता है। इस तरीके से तंबाकू हमें नुकसान पहुँचाता है। एक नंबर का ये क्वेश्चन निकलता है यहाँ से, तंबाकू में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है? तो तंबाकू में कौन सा एल्कलॉइड मिलता है? निकोटिन नामक हानिकारक एल्कलॉइड तंबाकू में पाया जाता है। पत्तियों में कितने परसेंट निकोटिन मिलता है? 1 से 8%। तंबाकू के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? निकोटियाना टॉबेकम। क्या नाम है? निकोटियाना टॉबेकम। इसका कुल कौन सा है? सोलेनेसी। सोलेनेसी कुल के पादप की पत्तियों से हम तंबाकू को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो ये रही बात तंबाकू की। इसके बाद अगला घटक देखिए, देखिए अगला मादक पदार्थ है
जिसका सेवन आनंद का भ्रम उत्पन्न करने की दृष्टि से किया जाता है, मदिरा कहो या शराब कहो, अल्कोहल कह सकते हो आप, ये किस प्रकार से शरीर को प्रभावित करता है? देखिए, शराब कई प्रकार से बनाई जाती है और प्रत्येक प्रकार की मदिरा में नशे का जो पदार्थ होता है वो एक ही पदार्थ होता है, उस पदार्थ का नाम है एथिल अल्कोहल। क्या नाम है? एथिल अल्कोहल। फॉर्मूला लिख सकते हो C2H5OH। किसका फॉर्मूला है? ये एथिल अल्कोहल का है। तो नशे का जो प्रमुख घटक है, चाहे मदिरा का प्रकार कोई सा भी हो, कोई से प्रकार की शराब हो, हर शराब में नशे का जो घटक होता है वो क्या होता है? एथिल अल्कोहल, अर्थात C2H5OH। प्रत्येक प्रकार की शराब में ये मिला होता है C2H5OH, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है? मदिरा के हिसाब से अलग अलग होती है। यही नशे का कारण भी बनता है। तो देखिए, आज अल्कोहल का सेवन अधिकतर लोगों के द्वारा किया जाता है। सबसे बड़ा जो नुकसान है अल्कोहल का सेवन करने से वो यही है कि आर्थिक क्षति तो होती ही होती है, मूल बात है ये। आर्थिक क्षति के साथ साथ ऐसे व्यक्ति का समाज में स्तर भी गिरने लगता है, तो सामाजिक प्रतिष्ठा जो होती है वो दाब पर लग जाती है। ऐसा व्यक्ति जो होता है जो कि अल्कोहल या मदिरा का पान करता है, लगातार इसका यूज करता है, सेवन करता है, तो ऐसे व्यक्ति की आर्थिक क्षति के साथ साथ सामाजिक क्षति और शारीरिक क्षति विशेष रूप से देखने को मिलती है। तो एक प्रश्न 3 नंबर में यहाँ से भी तैयार करते हैं, मानव शरीर पर अल्कोहल के सेवन से होने वाले कुप्रभाव लिखिए, या अल्कोहल का सेवन करने से व्यक्ति के शरीर पर कौन कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं, कोई 4 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, नंबर फर्स्ट बात, मदिरा का अधिक प्रयोग करने से मदिरा का अधिक प्रयोग करने से वसीय यकृत रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? वसीय यकृत रोग हो जाता है। यदि अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो वसीय यकृत नामक रोग हो जाता है। इसके अलावा लीवर सिरोसिस जैसी जानलेवा बीमारियां पैदा होती हैं। कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं? लीवर सिरोसिस और वसीय यकृत रोग जैसी जानलेवा बीमारियां पैदा होती हैं। नंबर 3 इफेक्ट देखिएगा आप, शरीर की सामंजस्यता शरीर की सामंजस्यता और तंत्रिकीय पेशीय समन्वयन क्षमता समन्वयन क्षमता
मानसिक एकाग्रता, वह मानसिक एकाग्रता, मानसिक एकाग्रता क्या होती है? नष्ट होती है। तीनों प्रभाव बहुत बढ़िया हैं। मदिरा का अधिक प्रयोग करने से बसीय यकृत रोग हो जाता है। लीवर सिरोसिस जैसी जानलेवा बीमारियां पैदा होती हैं। शरीर की सामंजस्यता, तंत्र की और पेशीय समन्वयन क्षमता और मानसिक एकाग्रता भी क्या हो जाती है? भंग हो जाती है, नष्ट हो जाती है। नंबर चौथी बात, अल्कोहल का अधिक सेवन करने से, अधिक सेवन करने से करने से व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। क्या हो सकता है? व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। यदि अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो व्यक्ति क्या हो सकता है? अंधा हो सकता है। दूरी एवं यदि चालक ड्राइविंग कर रहा है, कोई व्यक्ति वाहन को ड्राइव कर रहा है और अल्कोहल का सेवन किया है उसने, तो दूरी एवं गति संबंधी निर्णय लेने में कठिनाई आती है। दूरी एवं गति संबंधी निर्णय लेने में कठिनाई आती है। आर्थिक क्षति के साथ साथ सामाजिक व शारीरिक क्षति भी होती है। स्मरण क्षमता में कमी आ जाती है। स्मरण क्षमता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। और यदि किसी ड्राइवर के द्वारा इसका सेवन किया जा रहा है तो ड्राइवर दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। यानी कि इसका सेवन करने से दुर्घटना की संभावना बढ़ती है। इस प्रकार से मानव शरीर को अल्कोहल या शराब या मदिरा का अधिक सेवन क्या करता है? प्रभावित करता है। एक बार और पुनः रिपीट कर लेते हैं। अल्कोहल या मदिरा जो होता है, इनमें नशे का जो प्रमुख अवयव होता है, नशे का जो घटक होता है, उस पदार्थ का क्या नाम होता है? अल्कोहल होता है। क्या नाम होता है? एथिल अल्कोहल नशे का कारण बनता है। यदि अधिक मात्रा में अल्कोहल या मदिरा का सेवन किया जाता है तो कई सारे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। उनमें पहला इफेक्ट है, मदिरा का अधिक प्रयोग करने से वसीय यकृत रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? वसीय यकृत नामक रोग हो जाता है। इसके अलावा लीवर सिरोसिस जैसी घातक जानलेवा बीमारी पैदा हो जाती है। लीवर सिरोसिस नामक जैसी घातक बीमारी पैदा हो जाती है। शरीर की सामंजस्यता, तंत्रिकीय पेशीय समन्वयन क्षमता और मानसिक एकाग्रता भी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। मैंने तीनों पॉइंटों को ज्वाइंट कर दिया, शरीर की सामंजस्यता, पेशीय तंत्रिकीय समन्वयन क्षमता और मानसिक क्या एकाग्रता क्या हो जाती है? क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अल्कोहल का अधिक सेवन करने से व्यक्ति अंधा भी होता है, क्योंकि अल्कोहल का अधिक सेवन जो होता है वो चाक्षुष तंत्रिका को क्या करता है? प्रभावित करता है। कौन सी तंत्रिका को प्रभावित करता है?
चाक्षुष तंत्रिका को क्या करता है वो बेटा, प्रभावित करता है। इसलिए इसका सेवन करने से व्यक्ति क्या हो जाता है, अंधा भी हो जाता है। दूरी एवं गति संबंधी निर्णय लेने में ड्राइवर को कठिनाई आती है। यदि वाहन चालक और अल्कोहल का सेवन करके वाहन चला रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको दूरी एवं गति संबंधी निर्णय लेने में क्या आएगी, कठिनाई आएगी और दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। अर्थात यूं कहें इसी पॉइंट में कि दुर्घटनाओं की संभावना क्या है, बढ़ जाती है। स्मरण क्षमता में क्या आ जाती है, कमी। स्मरण क्षमता से जो रिमेम्बरिंग है, याददाश्त की जो क्षमता है वो क्या होती है, प्रभावित होती है, तो स्मरण क्षमता भी क्षीण हो जाती है, अर्थात उसमें कमी आ जाती है और एक बेहतरीन आर्थिक क्षति के साथ साथ शारीरिक और सामाजिक क्षति भी ऐसे व्यक्ति को पहुंचती है। इसके अलावा सामान्य अंतर्वाद का कम हो जाना, ये निश्चित है कि जब इसको व्यक्ति शुरू में इसका इस्तेमाल करता है, केवल एक वजह यही होती है क्योंकि ये लतकारी पदार्थ होते हैं, मात्र आनंद का भ्रम उत्पन्न करने की दृष्टि से लोगों के द्वारा ऐसे पदार्थों का क्या किया जाता है, सेवन किया जाता है। तो प्रारंभ में जब इसको व्यक्ति पीता है तो उसको पता नहीं चल पाता है, हालांकि वो आनंद का अनुभव करता है लेकिन उसे पता नहीं चल पाता है कि उसकी मांसपेशियां इसमें क्या है, बुरी तरह से क्या हुई हैं, प्रभावित हुई हैं, उसको अनुमान नहीं लग पाता है। ग्रह कलेश मिटता नहीं है, सामान्य अंतर्वाद कम हो जाता है, ये सारे इतने नेगेटिव जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो निकल कर के आते हैं। इसलिए चाहिए शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। यदि कंट्रोल वाली स्थिति में चला जाएगा तो ऐसे दुष्प्रभावों से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। ठीक है।